राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के सन सिटी में देर शाम को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक अधेड़ की चाकू गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में पूरी तरह से सनसनी फैल गई है। जब मृतक के परिजन घर लौटे तो उन्होंने घर में बिखरा सामान और लहूलुहान शव को देखकर उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हरमाड़ा पुलिस को सूचना दी और मामले की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस ACP फूलचंद मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया। FSL की टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं और साथ ही पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के मकान में अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। बदमाश चोरी की नीयत से घुसे और घर का सामान लूटकर पूरी तरह से फरार हो गए। मृतक फूलचंद यादव लादी का बास निवासी बताया जा रहा है, जो परिवार सहित सन सिटी में रहता था और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादविंदर, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए लवीना, की बिल्कुल देर रात का मामला है, करीब 11 से 12 बजे की घटना है, जब यहाँ पर जो हरमाड़ा के अंदर सन सिटी है, यहाँ पर एक जो युवक है जिसका नाम फूलचंद यादव है, जो ये घर पर अकेला था क्योंकि परिजन थे जो किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जब परिजन रात को करीब 11, 11:30, 12 बजे घर पर लौटे तो यहाँ पर जो फूलचंद है उसकी यहाँ पर खून से लथपथ है, जो लाश पड़ी हुई थी चाकू से गोद करके यहाँ पर जो उसकी है हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जो परिजन है उन्होंने यहाँ पर जो वैश पुलिस है उसको यहाँ पर सूचना दी। सूचना के बाद यहाँ पर जो हरमाड़ा थाना पुलिस है वो मौके पे आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर DCP जो विकास शर्मा है वो भी मौके पे आए और ADCP बजरंग सिंह जी भी वो भी मौके पे आए और साथ में FSL की टीम भी आई। तमाम जो साक्ष्य जुटाए उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक जो जांच हुई उसमें सामने आया है कि यहाँ पर जो लूट के इरादे से, चूंकि पुलिस वाले हैं, पुलिस है जो अंदेशा जता रही है क्योंकि सामान बिखरा हुआ था पूरे घर के अंदर, ऐसे में पुलिस वालों का अंदेशा है कि लूट के इरादे से यहाँ पर जो फूलचंद यादव है उसकी यहाँ पर यह हत्या की गई है। चूंकि सामान बिखरा हुआ था, इसके अलावा अलमारियों के जो ताले टूटे हुए थे, तो इन सब चीजों को लेकर के पुलिस है जो कयास लगा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के इलाके के अंदर सनसनी मची हुई है और पुलिस है जो पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्कुल लवीना जी, अरविंदर परिजनों से बातचीत में क्या कोई और संदेश जताया गया है, कोई और खुलासा हो पाया है? देखिए मैं लवीना की विकास शर्मा जो DCP है उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें लूट के इरादे से ये हत्या की गई, क्योंकि घर में सामान बिखरा हुआ था, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी गायब थी, कुछ नकदी भी गायब थी। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि चूंकि फूलचंद यादव है जो प्रॉपर्टी के कारोबार से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के भी यहाँ पर जो पुलिस है अंदेशा जता रही है। लेकिन तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल है जो पुलिस है जो कर रही है, तमाम जो परिजन है। इसके अलावा फूलचंद यादव के किससे संपर्क थे और हाल ही के दिनों में किसको उसका किसकी प्रॉपर्टी को लेकर किससे विवाद हुआ था, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि किस तरह की ये पूरे घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद किस तरह का उनसे फूलचंद यादव से जो विवाद था, इन सब चीजों को लेकर के पुलिस है जो तमाम पहलू है उनको जांच परख करते हुए जो जांच पड़ताल में यहाँ पर जुट गई है। बिल्कुल जी यादविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरमाड़ा थाना इलाके से खबर बता रहे थे आपको, जहाँ एक अधेड़ की हत्या कर दी गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।